वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। पहले ये मुझे बताएंगे हमने दीवार क्यों खड़ी की हुई है दरमियान में, कोई आपकी मेरी लड़ाई चल रही है? ये दीवार जो है बबली बदमाश भाई, बबली बदमाश आते जाते कर रोक रही, आते जाते तड़ियां लगा रही है। आपने वैसे अपनी रियल लाइफ में कैसे बबली बदमाश देखी है कि पाला पड़ा किसी के साथ? बदमाश बहुत, बल्कि हमारे अगर मुझे पता चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ख्वाजा अब्दुल मोईद। और मैं हूँ ज़ाहिद खान। जनाब, तो आज हमारा यूट्यूब चैनल जिसको आप देख रहे हैं, जिसकी वीडियो और इस पर बड़ी मज़े की खबरें आपको नज़र आने वाली हैं। खबरें नहीं बोलेंगे, वो बातें जो आपके दिल की हैं, वो बातें जो हमारे दिल की हैं, हम भी बैठ के करना चाहते हैं, कोई और भी करना चाहता है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। और पहले ये मुझे बताएंगे हमने दीवार क्यों खड़ी की हुई है दरमियान में, कोई आपकी मेरी लड़ाई चल रही है? ये दीवार जो है वो आज, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ें, मैं चाहूँगा कि जिस तरह आप लोग हमें देखते हैं SF TV पे, और हमारा ये एक और नया चैनल जो कि जिसके ऊपर हम कुछ ऐसी बातें जो हम उस चैनल पर नहीं कर सकते आप लोगों से, इस चैनल पे आप लोगों के साथ करेंगे। लेकिन हमारा और आपका साथ तब तक ही जारी रह सकता है या ज़्यादा हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकती हैं जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो एक रिक्वेस्ट बनती है वो यही है, हाँ घंटी भी बजानी है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको हमारी मज़े मज़े की वीडियोज़ जो है वो मिलते रहे। आज हम लोग जो ड्रामा है डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही फेवरेट लोगों का है ड्रामा है, बड़ा हिट जा रहा है, हर कोई उसके बारे में बात भी कर रहा था, हमने सोचा आज हम भी जरा उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। और आपने मेरे से देखा है, मैंने बल्कि आपको कहा था कि ड्रामा देखें, कितने एपिसोड आपने देख लिए? मैंने तकरीबन 7 एपिसोड देख ली और वो आपके कहने पे देखे हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं ड्रामा जो है वो बड़े शौक से देखता हूँ, अर्तगल गाजी, और मैं उसको छोड़ के जो है वो इस ड्रामे की तरफ, क्योंकि मोहित ने स्पेशली मुझे कहा था कि ये आपने देखना है। और जनाब, तो हम बात करें ड्रामा परीजात की, तो एक ऐसा ड्रामा मेरे हाथ से बड़े मुख्तलिफ और बड़ा ही हट के जो कहानी, और हम टीवी के ड्रामा से हम बात करें तो मेरे से काफ़ी उनके हट की उनके ड्रामा होते हैं, डिफरेंट स्टोरीज होती है, बड़ा मज़ा आता है देखने का। आम वो हर एक की कहानी चल रही है, माशूकी की, वो लड़ने वाली, वो सास की, और फिर इस तरह कहानी तो चलती रहती है। लेकिन जनाब, हमने तो एक किस्म का ना हमेशा काम चुक के रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो ड्रामास के हवाले से जो है ना वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें को बनाए, और एक आम व्यूवर्स की तरह हम एक ड्रामा देख रहे हैं और उसके ऊपर हमें क्या फील हो रहा है। वैसे मोहित, आपको क्या फील हुआ इसकी जो बिल्कुल 11 एपिसोड हो चुके हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि परीजात जो किरदार है वो हर इंसान का की कहानी है, या हर इंसान के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान महरूमियों का शिकार होता है, कि जो इंसान को लगता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो उसकी वजह से या मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, या उसके जिस ड्रामे में उसकी रंगत की वजह से या उसके गरीब होने की वजह से, ये चीज़ें हैं। तो ये हर आम इंसान की कहानी है, और जिस तरह ड्रामा बड़ा फेमस है अगर देखा जाए, तो वो इस तरह का किरदार अगर आम रूटीन में हो तो उसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। तो ड्रामे को इतनी हाइप मिली, ड्रामा जो है फेमस, कोई मुँह वो कहते हैं ना मुँह नहीं लाना पसंद करता, ऐसे इस तरह के किरदार को लोग आम रूटीन में ये उसके साथ बीतती है, ये मतलब कि गुजरती है। लेकिन अगर उसके हम ड्रामे की बात करें तो मेरा कल एक उसमें एक ऐसा डायलॉग गुजरा जो मुझे ना मेरे जहन पर नक्श हो गया, मुझे एग्जैक्ट तो वो याद नहीं है क्या था, लेकिन उसका मतन अगर हम निकाला तो ये है कि अगर आप में कोई कमी है तो कोशिश करें कि आप में कुछ ऐसी चीज़ भी अल्लाह ताला ने रखी होगी जो कि एक्स्ट्रा होगी, जो बाकी लोगों में नहीं होगी, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ को आप इस हाइप पर ले जाएँ, इतना बड़ा कर लें कि वो जो आपकी कमी है उसके अंदर छुप जाए, उस कमी की तरफ किसी की नज़र ही ना जाए, और जो आपके अंदर ज्यादती है, जो एक अल्लाह ताला ने एक एक्स्ट्रा क्वालिटी रखी हुई है, उसको इस हाइप पे ले जाएं कि वो सारी खामियां आपकी छुप जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर हम कहें तो ये अपनी ज़िंदगी में हर बंदा अगर इसको करे तो और हाशिम नदीम ने ये ड्रामा लिखा है और बड़े ही खूबसूरत इसके लिखा है, और बल्कि हम सोच रहे हैं कि हम हर एपिसोड को देखें और जैसे ही वो एपिसोड आता है नेक्स्ट डे हम आप लोगों को रिव्यू दें उस एपिसोड के बारे में। और इसी तरह हम कुछ और डिफरेंट ड्रामास भी आप हमें रेकमेंड भी कर सकते हैं कि हम कौन से ड्रामास देखें और किन पर आप हमें हमारी राय चलिए। अभी हमारी पहली वीडियो होती है, हमने उस पर तैयारी नहीं की, लेकिन आने वाले वीडियोज में जनाब उस पर तनकीद भी होगी उन ड्रामास के ऊपर, जो अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट भी करेंगे और मज़े मज़े के पॉइंट्स जो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो अभी वैसे आपने 7 एपिसोड देखे? मैंने 7 एपिसोड देखे, जो आगे एपिसोड आने उसमें ट्विस्ट आ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मजे की बात कि पहले ही अगर एपिसोड की बात करें तो इतने इतने ट्विस्ट हैं उसके अंदर, इतने किरदार हैं, कास्ट इतनी बड़ी। मैं वही कह रहा हूं कि मैं जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मतलब इतने ट्विस्ट थे कि मैं, मुझे यही था कि मैं यार एक एपिसोड देखूंगा उसके बाद मैं वैसे डिसाइड कर लेता हूं, किसी भी ड्रामे को अगर मैं देखना चाहूं तो मैं एक एपिसोड में उसको जज कर लेता हूं कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी कहानी क्या है। तो वो ऐसा ड्रामा है ये। अगर बबली का किरदार कैसा लगा आपको, जो सबूर अली ने किया? बबली का किरदार बहुत यूनिक है और
और मैं ये भी बल्कि बड़े अच्छे से उसने निभाया ना सबूर ने, मतलब कैसे लग नहीं रहा वो एक्टिंग कर रही है, कैसा किरदार है, जाहिर आपको थोड़ा अपने जेंडर को डिस्टर्ब भी करना पड़ रहा है उसमें। असल में एक्टिंग इसी चीज़ का ही नाम है कि आप उस किरदार में इतने घुस जाओ कि वो, और मुझे लगता है बल्कि 100% ये होगा कि इस किरदार को निभाने के लिए उसने बाकायदा ये इसको ऑब्जर्व किया होगा और ऐसे लोगों के साथ उसने अट्रैक्ट किया होगा, तो फिर जाके उसने इतने फेस एक्सप्रेशंस और फिर वो डायलॉग डिलीवरी और फिर बॉडी लैंग्वेज वो टोटली जो है वो एक लड़कों वाली और फिर वो बदमाशों वाली बड़ी उसने बबली बदमाश भाई बबली बदमाश आते जाते कर रोक रही आते जाते तड़ियां लगा रही है। आपने वैसे अपनी रियल लाइफ में किस बबली बदमाश देखी है कि पाला पड़ा किसी के साथ? बदमाश बहुत, बल्कि हमारे अगर मुझे पता चल वो बबलू बदमाश कितनी मतलब परेशानी हो गई बाद में कि वो शुरू में वो एक बेटे की ख्वाहिश में उन्होंने अपनी बेटी को लड़कों जैसे कपड़े पहनाने शुरू किए और फिर उनको सारा चाल ढाल हर एक चीज़ ने अडॉप्ट कर ली। मैं समझता हूँ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसके वालदैन का कसूर है जो एक लड़के की ख्वाहिश में आके अपनी लड़की को अपनी बच्ची को बेटी को एक बेटा बनाने की कोशिश की और फिर जाहिर ही बात है जब उसने वो उसको अडॉप्ट किया तो फिर ये सारी चीज़ें इतना जल्दी छूट नहीं सकती हैं। जाहिर है आप किसी चीज़ में क्योंकि नेचर को आप छेड़ रहे हो ना, नेचर अगर आप नेचर बस ऑब्वियस बात है अगर किसी चीज़ में आप नमक डाल रहे हो और आप ये तो करेंगे उसमें चीनी का जायका आएगा तो फिर तो ज़्यादा वो तो ऐसी बात नहीं है, फिर प्रॉब्लम्स होंगी जिस तरह उन्होंने प्रॉब्लम फेस की और लास्ट एपिसोड में मेरा हाल है वो घर से भी चली गई है। अच्छा आपको पता है कि परीजाद नॉवल भी था, मतलब कि ये ड्रामा था बताया है लेकिन अब इसका बड़ा एंड बड़ा मजे क्या है और जब अभी वैसे हम नहीं बताएंगे लेकिन हमने पढ़ा है, उम्मीद करते हैं कि वही ड्रामे में भी एंड होगा और इस एंड की अगर बात होगी तो मैं ऐसा वीडियो के एंड पे भी और हमने आप लोग का क्योंकि हम कोशिश करेंगे हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएं आज की सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी और इसके ऊपर हम कोशिश बल्कि आप ही हमें कमेंट्स में रेकमेंड करें कि हमें और किस चीज पे वीडियोस बनानी चाहिए क्योंकि अगर आपने हमें पहले देखा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ इस तरह की चीजें आपने ऑब्जर्व की होंगी कि ड्रामास के हमें ऊपर करना चाहिए कुछ और चीजें करनी चाहिए, जो जो आप हमें रेकमेंड करते जाएंगे हम उसको तू हम आपकी तरफ आते हैं। और अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई मसला नहीं जनाब, हुन देख रहे हो तो देख ही जाओ बड़े मजे मजे की गल्लां आणियां ने तुसी बस साडे नाल रहना है। हां ते घंटी दा बटन दबा देना, बटन ही से दबाना है हां बटन सब्सक्राइब करके घंटी दा बटन दबा के तो ऑल लिखा आएगा बिल्कुल उन्हें भी दबा देना बिल्कुल।